नहीं एक ही एजेंडा नहीं है तो आपका जो एक ही एजेंडा है उसे एक्सपोज करना है सर और वो हम दे दे नहीं कर रहे हैं वो आज आज की तारीख में मेरे तो डियर मोस्ट हो गए इसलिए हो गए क्योंकि उन्होंने आईएसआई की पोल खोलने का अब जो है राधा बना, बना लिया है और इसलिए हमें तो वो इस बार थोड़े पसंद आएंगे सो ऑल द बेस्ट टू यू फैयाज साहब मेरे पास वक्त की कमी है लेकिन आगे भी आपसे मुलाकात करने की मैं इच्छुक रहूंगी आपको हूंकार बिस्मिल्लाह रहमान बिसम रिम असल नाज्रीन कराम मैं हूँ मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बख़ैर वाफियत होंगे और जहाँ भी होंगे अपने अहल खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी नाजीन कराम इस वक्त सबक़ वज़ी अजम पाकिस्तान इमरान ख़ान का लॉन्ग मार्च जोर व शोर से जारी है पूरे मुल्क से इस वक्त जो जज्बा और जोश देखने को मिल रहा है और अभी तो ये सिर्फ़ लाहौर की आवाम है जो वहाँ पर लिबर्टी में पहुँची और अब अगले पड़ाव की जानब उन्होंने जाना है और इसी तरह से कल लाहौर से निकलेंगे आगे बढ़ते हुए चार तारीख़ को इन्होंने इस्लामाबाद पहुँच जाना है और इंपोर्टेड सरकार की टांग कंपनी का सिलसिला तो शुरू हो चुका है लेकिन एक तो कल जो डी जी आई एस पी आर और डी जी आई एस आई आए की जानब से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद फिर जो रिस्पॉन्स दिया गया और सबक़ वज़ी अजम पाकिस्तान इमरान ख़ान ने आज लिबर्टी चौक पर जो कि इससे पहले भी वहाँ पर बहुत दफ़ा पाकिस्तान की अवाम इमरान ख़ान से यकजहती के लिए कॉल दी भी हुई और बग़ैर कॉल के भी वहाँ पर इकट्ठे हुए और ऐसे मनाजर लिबर्टी चौक दिखा रहा था कि ये तहरीर स्क्र लग रहा था और हकीक़ी आज़ादी जो है ऐसा लग रहा है कि जैसे पाकिस्तान ने जब आज़ादी हासिल की थी तो वो भी लाहौर जहाँ पर मीनार पाकिस्तान है उस मकाम से शुरू हुआ और अब ऐसे लग रहा है कि हकीकी आज़ादी इन ये जो बैरूनी ताकतें हैं और जो डर और ख़ौफ़ के बुत हैं उनसे हमारा मुल्क एक दिन हकीकी आज़ादी हासिल करेगा लेकिन इस सब के अंदर पाकिस्तान का हमसाया मुल्क भारत वहाँ पर और उनके मीडिया में जो शादियाने बजाए जा रहे हैं और अभी मैंने उनके कुछ और न्यूज़ आर्टिकल्स हैं कुछ चीज़ें हैं कुछ क्लिपिंग्स हैं जो आपके सामने रखनी है और इस वक्त वहाँ पर इमरान ख़ान बा मुकाबला पाकिस्तान के मकतदर हल्के या इमरान ख़ान बा मुकाबला फ़ौज और आई एस आई जो है इस सिनेरियो को जो हाइप दी जा रही है वहाँ पर जो शादियाने बज रहे हैं इन्हें हाईलाइट करना क्यों ज़रूरी है ये आपको समझ लग जाएगी क्योंकि इस वक्त मैं ये समझता हूँ कि ये एक वेकअप कॉल है और अगर हम भारतीय मीडिया की बात करें तो इमरान ख़ान का साढ़े तीन पौने चार साल दौर हम सबके सामने है कि जिस तरह से वादी के अंदर जो जुल्म हुआ और जो अगस्त फाइव का मूव था उसके बाद पूरी दुनिया के अंदर इमरान ख़ान ने आ, हिंदुत्वा की जो आइडियोलॉजी है और नरेंद्र मोदी की जो पॉलिसीज़ हैं उन्हें उखाड़ के रख दिया और ऐसा एक्सपोज़ किया कि जिसकी कोई मिसाल नहीं मिलती और पाकिस्तान की मिलिट्री और पाकिस्तान की आईएसआई और आर्मी और पाकिस्तान के जो कानून नाफिज करने वाले इदारों इदारे हैं उनसे इनका वैसे ही बैर है आपके सामने सत्ताईस फरवरी भी है और इमरान ख़ान और मिलिट्री की जो जोड़ी है आपने देख लिया कि सरप्राइज़ दिया अभिनंदन की सूरत में तो ये चीज़ें उन्हें सूट नहीं करती थी और जहरी बात है कि जब ये एक पेज की हम बात करते थे तो लेट्स बी वेरी फ्रैंक हेयर तो ये जो एक पेज था जब ये सफ़ा एक सफ़ा फट गया और ये एक सफ़ा एक सफ़ा नहीं रहा तो उस पर पाकिस्तान ने उसके बाद देखा कि पाकिस्तान में स्टेबिलिटी कहाँ गई नहीं है पाकिस्तान में मुआशी इस्तेकाम सियासी इस्तेकाम पाकिस्तान की वो जो एक एक स्ट्रॉग पॉलिसी होती थी वो सारी चीज़ें जो हैं कॉम्प्रोमाइज़ हुई और इस रिजीम चेंज ऑपरेशन की सूरत में हमारी आज़ादी हमारा वजीर अज़म आज फिर एक पासिंग आउट परेड थी पुलिस सर्विस और पाकिस्तान की उसमें कह रहा है कि हमने कशकोल लेके जाना होता है किसने कहा अमरीका से ताल्लुक ख़राब करो हमने कशकोल लेके जाना होता यार आप को भिकारी आजम जो हैं, वो तो कह चुके हैं अब यहाँ पर एक तो दो चीजें आपने समझनी लिया एक महबूब इधारा औरतान के बका के जान एक वो है। दूसरी तरफ पाकिस्तान से सबसे ज्यादा लॉयल और पाकिस्तान का सबसे ज्यादा मकबूल तरीन जो सियासी रहनुमा है और पाकिस्तान की सियासी तारीख में इससे बड़ा रहनुमा नहीं आया वो इस उस वक्त आमने सामने आ रहे हैं और इस चीज़ के अंदर जो जश्न कहाँ पर मनाया जा रहा है इस चीज़ के ऊपर शादियाने कहाँ पर बजाए जा रहे हैं ये एक वेकअप कॉल है और मैं ये बात पहले दिन से कर रहा हूँ और ये बात जब जब कन्फिनटेशन तक बात जाती है जब जब सीधे सीधा दोनों आमने सामने आते हैं जब जब कशीदगी की बात आती है तब तक मैं आ, तब तब मैं ये बात रिपीट करता हूँ और इसके पीछे कोई वजह है और आज तो इनकी जो खुशी है जो इनकी बातशें खिली हुई हैं उन्होंने इस चीज़ को एक्सपोज़ भी कर दिया आप ये देख लें एक टाइम्स ऑफ इंडिया की इमरान खान लॉन्ग मार्च लाइव अपडेट्स, इमरान खान प्रेजेस इंडिया इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी के खान ने uh, हमारे मुल्क की जो इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी है उसे कर दिया उसके अलावा ये एक एनडी है उसकी आप देख लें कि पाक्स पावरफुल आई एस आई इज इन ऑल आउट वॉर विद इमरान खान अब ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान की जो ताकतवर तरीक आई एस आई है वो अब एक खुली जंग लड़ रही है इमरान खान के साथ और वो ऑल आउट वॉर में चले गए हैं और इसमें उन्होंने लिखा था शेडवी आई एस आई चीफ वो आई एस आई चीफ जो, जो रेयरली पब्लिक अपेयरेंस करते हैं उन्होंने इमरान खान की रिक्वेस्ट का तो नहीं बताया कि वो इनसे क्या मुतालबे कर रहे थे और इस तरह का एक पूरा परसेप्शन जो बनाया जा रहा है अब इस परसेप्शन को समझना इस वक्त क्योंकि जरूरी है ये हम सबको पता है आप ये देखें एक और सी एन एन न्यूज एटीन है उनका वो कहता है विंग is और इमरान खान पीटीआई स्लैम्स पाक आर्मी के इमरान खान की जो पीटीआई है उसने पाकिस्तान आर्मी को स्लैम किया अलबत् बात तो नहीं है लेकिन जो इस वक्त कन्फेंटेशन की तरफ चीजें जा रही हैं और खान साहब ने जो बातें की हैं उसमें किसी सूरत भी ये बात और ये तासर क्यों दिया जा रहा है और मैं ये बात रिपीट बहुत दफा कर रहा हूँ लेकिन उसकी कोई वजह है और वो वजह अब आपको समझ आ रही होगी कि इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट के अंदर नुकसान तीन स्टेक होल्डर्स का एक पाकिस्तान एक पाकिस्तान के इदारे जो पाकिस्तान के लिए ज़रूरी हैं और तीसरा पाकिस्तान का वाहि सन्सेयर लीडर इमरान ख़ान फ़ायदा किसका है फ़ायदा है जी चोरों का लुटेरों का जो मुल्क के बाहर बैठे मुल्क के दुश्मन हैं और मुल्क के अंदर बैठे वो दीमक हैं जो इस मुल्क को अंदर से पिछले पचहत्तर साल से खोखला कर रहे हैं तो ये चीज़ हम सब के लिए एक वेकअप कॉल है मैं यहाँ पर नाजीन कराम एक चीज़ कहना चाहूँगा और इस वक्त जो हालात बन रहे हैं और जिस जानब जा रहे हैं क्योंकि एक जानब तो पाकिस्तान इंसाफ का जो आज़ादी मार्च है उस वो जो इमरान खान साहब ने करना है उसके लिए एन ओ सी जारी करने की दरख्वात जो है वो इस्लामाबाद की इंतज़ामिया ने मुस्द कर दी है इसके साथ ही साथ इमरान खान साहब ने तो बड़ा वाज़ किया कि मेरा कोई गैर आइनी मुतालबा नहीं है मैंने मिलट्री से भी कोई गैर आइनी मालालबा नहीं किया मेरा एक आइन और कानून के अंदर रहकर मुतालबा है फ़्रेश माइंडेड होना चाहिए साफ़ और शफाफ इंतबात होने चाहिए जबकि राना सनाउला साहब जो है वो बैक टू बैक ज्मेंट्स दे रहे हैं वो बड़ी अमिंग है और यहाँ पर उन्होंने कहा कि चढ़ाई के लिए आने वाले जत्थे का ऐसा अनजाम होगा आइंदा कोई सोचेगा भी नहीं और इन्होंने ये बात कही कि अब हर बुरे को उसके घर तक छोड़ कर आना है जब जब कोई किरदार फितना गरी करेगा उनके मुकाबले के लिए सच पेश किया जाएगा सच को झूठ के मुकाबले में पीछे नहीं रहना चाहिए मुल्क में अफरा तफरी और अनारकी चाहता है इमरान खान इनके हर प्रोपिगेंडे का फौरी जवाब दिया जाए तो ये जो इस वक्त चीज़ें हो रही हैं अगर हम इन चीज़ों को समझें और ये इम्पोटेंट सरकार तो चाहती है कॉन्फ्लिक्ट लेकिन मैं यहाँ पर पर ये चीज़ बड़ी वाजे करना चाहता हूँ और ये बंधे हुए हाथ हैं और ये हर मुहब वतन पाकिस्तानी की तरफ से हाथ बंधे हुए हैं सब उन स्टेक होल्डर्स के लिए जो पाकिस्तान के साथ लॉयल हैं और इसके अंदर पी नहीं आती उन सब के लिए कि अभी भी वक्त है अभी भी चीज़ें उस लेवल तक ना ले जाई जाएं, अभी भी मामलों को दुरुस्त कर लिया जाए अभी भी चीज़ों को देख लिया जाए और ये एक वेकअप कॉल के तौर पे देखा जाए क्योंकि भारतीय मीडिया को जिन पर हो है, देखें वही बात है ना कि कोई वजह हो सकती है तो दुश्मन का दुश्मन जो है वो दोस्त होता है और अगर दुश्मन दो स्टेक होल्डर्स को अपना दुश्मन समझ के अब उस लड़ाई के अंदर जलती पर तेल डालना चाह रहा है तो ये भी एक अकलमंद के लिए इशारा काफ़ी है अपना बहुत ख्याल रखें अल्लाह नेगवान पाकिस्तान धनबाब